दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चिड़ियाओं को पसीना नहीं आता है? या फिर ये कि हम जब खाना खाते हैं तो हमारे मुंह से पेट तक खाना पहुंचने में कितना वक्त लगता है? अच्छा, आपने कभी दुनिया का सबसे छोटा डॉग देखा है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, तो शुरू करते हैं क्रिएटिव फैक्ट की प्लेलिस्ट का ये सफर। चिड़ियाओं को कभी भी पसीना नहीं आता है। जी हाँ दोस्त, इस दुनिया में जितनी भी चिड़िया रह रही है उनको पसीना आता ही नहीं है। और ऐसा दोस्त इसलिए होता है क्योंकि चिड़ियों में स्वीट ग्लैंड लगी ही नहीं होती है। जी हाँ दोस्त, जब हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारे शरीर को ठंडा करने के लिए हमारी स्किन में स्वीट ग्लैंड लगी होती है जिनसे पसीना बाहर आता है। और चिड़ियों के स्किन में तो स्वीट ग्लैंड लगी ही नहीं होती है, इसलिए उनको पसीना आता ही नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे सिर्फ मुस्कुराने का एक्सप्रेशन देने के लिए हमारे चेहरे की 17 मसल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और यही नहीं, जब हम किसी बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं तो कंफ्यूजन का एक्सप्रेशन देने के लिए 43 मसल्स का इस्तेमाल होता है, जब जाकर कंफ्यूजन का एक्सप्रेशन दिखाई देता है। दोस्तों, आप जो अपनी स्क्रीन पर डॉग देख रहे हैं, दरअसल ये दुनिया का सबसे छोटा डॉग है और इसका नाम चिहुआ हुआ है। और यह वजन में सिर्फ 1 किलो का ही होता है। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये लगभग 4 इंच का ही होता है बस। और इतना कम वजन और लंबाई के चलते यह दुनिया का सबसे छोटा डॉग माना जाता है। दोस्तों, जब हम अपने मुँह पर पानी डालते हैं या वे अपने मुँह को पानी से धोते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारे दिल की धड़कन कम हो जाती है। और दोस्त, ऐसा होता ही क्यों है यह आज तक किसी को भी नहीं पता। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो हम यह सोचते हैं कि जब हम खाना सटकते हैं तो हमारा खाना मुंह से सीधे पेट में चला जाता है। लेकिन दोस्त, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको बता दूं, आपका यह ज्ञान भी अधूरा है। दरअसल दोस्त, जब हम खाना सटकते हैं तो खाने को हमारे मुंह से पेट तक पहुंचने में 60 सेकंड का वक्त लगता है। रह गए ना हैरान? यह तो दोस्त आप भी जानते होंगे कि हवा में धूल के कण और पानी के कण और तरह तरह टाइप की चीजें मिली होती हैं। लेकिन दोस्त, आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ सांस के जरिए 20 किलो से ज्यादा धूल मिट्टी अपने अंदर खींच लेता है। और यही नहीं, और पूरी की पूरी 20 किलो बाहर फेंक भी देता है। यह तो दोस्त आपने भी देखा होगा कि जब एक डक चलती है तो उसकी गर्दन आगे पीछे होती है। लेकिन दोस्त, क्या आपने कभी सोचा है इस आगे पीछे करने वाले मूवमेंट को क्या कहते हैं? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। दरअसल दोस्त, डक द्वारा किए गए इस मूवमेंट को बॉबिंग कहते हैं। और तो और दोस्त, आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे, अगर कोई डक बॉबिंग ना करे तो यह चल नहीं सकती है। जी हाँ दोस्त, अगर कोई डक बॉबिंग ना करे तो यह चल नहीं सकती है। दोस्तों, आपने कभी न कभी तो इन हाथियों को जरूरी देखा होगा जिनके पास एक लंबी सी सूंड होती है। और इनकी सूंड में इतनी ताकत होती है कि एक पेड़ को आराम से गिरा सकते हैं। लेकिन दोस्त, क्या आप जानते हैं कि इनकी सूंड का वजन थोड़ा बहुत नहीं, पूरा 140 किलो होता है। और यही नहीं, इनकी पूरी सूंड 1 लाख मसल से बनी होती है, जब जाकर उसमें इतनी सारी ताकत होती है कि वो कोई भी पेड़ को आराम से गिरा सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाता है तो वो वहाँ पर रो नहीं सकता? और वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी होती ही नहीं है। और जब कोई एस्ट्रोनॉट वहाँ पर रोता है तो उसकी आंखों से आंसू फ्लो ही नहीं होते हैं और ना ही नीचे गिरते हैं, इसलिए कोई भी एस्ट्रोनॉट वहाँ पर रो नहीं सकता। दोस्तों, जब हमारे बाल बड़े हो जाते हैं तो हम उन्हें नाई पर जाकर कटवा आते हैं। लेकिन दोस्त, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बाल साल भर में, महीने भर में या फिर एक दिन में कितनी स्पीड से बढ़ते हैं? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। दोस्तों, आमतौर पर हमारे बालों की लंबाई रोजाना 0.3 mm से 0.5 mm बढ़ जाती है। अगर वही महीने भर में देखें तो हमारे बालों की लंबाई 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। और यही नहीं, साल भर में हमारे बालों की लंबाई 6 सेंटीमीटर तक लंबी हो जाती है। दोस्तों, आपने अपने घर में मकड़ियों को तो जरूरी देखा होगा, जो कि हमारे घर के कोनों में अनचाहे घर बना लेती हैं। लेकिन दोस्त, क्या आप जानते हैं, अगर आप इन मकड़ियों को जलाएंगे ये बारूद की तरह फट जाएंगी। आप चाहें तो घर पर ही एक्सपेरिमेंट कर देख सकते हैं। दोस्तों, आजकल तो मून पे जाना एक आम बात हो चला है।
लेकिन दोस्त अगर आप मरकरी पे जाना चाहते हैं तो वहाँ के टेम्परेचर के बारे में भी जान लीजिए। दोस्तों जब वहाँ पर दिन निकलता है तो वहाँ का टेम्परेचर 430 डिग्री तक पहुँच जाता है, जिसमें कि आप एक मुर्गे की तरह भुन जाएंगे। और इससे भी ज्यादा कमाल की बात तो ये है कि जब वहाँ पर रात होती है तो वहाँ का टेम्परेचर -180 डिग्री तक पहुँच जाता है, जिसमें कि आप बर्फ की तरह जम जाएंगे।